इस बीच पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए बहस गर्मा गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में कोई साफ जवाब न आने के बाद विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन की दलील है कि ये फैसला आलाकमान का होगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से इस बार सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल का जवाब बेशक पंजाब पहुंचे राहुल गांधी टाल गए, पर इस मुद्दे पर सवाल जवाब अब शुरू जरूर हो गए हैं। कैप्टन का समर्थन करने वाली लीडरशिप चाहती है कि कैप्टन का बतौर सीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान हो, पर आला कमान अभी किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। सवाल सीएम पद के दावेदारी को लेकर उठे तो कैप्टन ने दलील दी कि सीएम औहदे का फैसला आला कमान ने करना है, पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी को सवाल खड़े करने का मौका जरूर मिल गया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी एक महीने के अंदर अपना सीएम कैंडिडेट तय करने की चुनौती दे दी है। तो भगवंत मान कैप्टन को कांग्रेस टीम का 12वां खिलाड़ी बता रहे हैं। मैं चैलेंज कर दिया आज केजरीवाल ने कि अगले महीने तक अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे। मैं चैलेंज कर दिया राहुल गांधी ने जे हिम्मत है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नु आज डिक्लेयर करे। राहुल गांधी जी तो कैप्टन साहब नु 12वां प्लेयर डिक्लेयर करके जेड़ा पानी पूनी पियांदा हुंदा, कॉफी कूफी पियांदा हुंदा। सो कैप्टन साहब नु बेनती है कि पहला वो कांग्रेस के कैप्टन बन जान, पंजाब के कैप्टन बाद सोचण हो। सो इस करके सपेरा दे विच कल अनाउंस उन्होंने शामिल कर लिया गया। उन्होंने ये कहा था, मैं तो साथ उनके बैठा, कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है कि इट इज दैट आफ्टर द इलेक्शन द ओवर देन द अनाउंसमेंट समेट। विरोधी पार्टियों की तरफ से जब कांग्रेस के सीएम औहदे के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछे जाने लगे तो सीनियर लीडरशिप ने दलील दी कि ये विरोधियों का अंदरूनी डर है। कोई पार्टी की मजबूरियां होनी है, कोई पार्टी के जेडे नॉर्म्स है उन्होंने चलते कदों अनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं। पर मैं थोनों एक गल दस सकदा मुनी जी, लोगों ने पंजाब के लोगों ने चीफ मिनिस्टर अपना इलैक्ट कर लिया, उन्होंने मन च धारण कर लिया भी कैप्टन साहब नूं असीं मुख्यमंत्री बनाना है। आ तो एक मेयर फॉर्मैलिटी है, किसी टाइम भी पूरी हो जाएगी। केजरीवाल जी का सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैप्टन साहब नहीं होंगे, तो इसी से समझ में आती है कि अपने घर की फिक्र नहीं है, डरे हुए हैं कैप्टन साहब से, इसलिए चला रहे हैं ये मामला। विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी इस बार सीएम पद का उम्मीदवार ऐलान करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। दिल्ली से पंकज कपाही और संगरूर से सुमित जोशी के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा।